कैसे हो आप? गुड सर। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। यस सर। ओके, सबसे पहले बताइए आपका पहला कौन सी यूनिट का उसका है आपका? 10th का हुआ था सर, शायद 9th पता नहीं, 10th का। अभी तक एक ही हुआ है क्या आपका? यस सर। ओके, तो जी बताइए सबसे पहले एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स जो है सर, मेनली बेसिकली रिलेटेड होता है कि जब स्टूडेंट्स को हम रिगार्डिंग द बिजनेस बिजनेस के बारे में पढ़ाते हैं, ट्रेड के बारे में स्टडी कराते हैं, और कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से लेकर अप टू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाउ डू यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम? टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड यूज करेंगे सर, कि उनको प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाए। दूसरा, उनको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देंगे ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब पे उनके अच्छे से कमांड हो ताकि वो बेसिक कंप्यूटर टर्म्स को समझ सकें। आपने कंप्यूटर किया है कोर्स? यस सर। क्या बेसिक या क्या कुछ किया आपने? बेसिक प्लस टेली ERP की है सर मैंने, 9.0 नाइन एंड वेब पॉइंट डिजाइनिंग। ओके। ईआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टेली ईआरपी की? ERP अभी माइंड में नहीं है सर मेरे, लेकिन इकोनॉमिकली प्रोग्रामेबल कुछ है सर, बट आई एम नॉट श्योर कि इकोनॉमिकली रिसोर्स प्रोग्रामेबल। ओके, कोई बात नहीं, करते हैं इसके ऊपर बात बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अकाउंटिंग का रोल पहले से अब चेंज हो गया, कैसे? अकाउंटिंग पहले सिर्फ सर था कि रिकॉर्ड कीपिंग तक था मेंटेन, कि सिर्फ रिकॉर्ड करो और उस पे वो करो, लेकिन अब जो अकाउंटिंग है उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, फिर उसके क्लासिफाई करो, देन समराइज करो, इंटरप्रेट करो, और उसको उसके ऊपर रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। रिवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में बताइए क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर बेसिकली रिलेटेड टू द डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ओके, जो डे टू डे रन करने के लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस करते हैं वो उनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। ओके जी। और रिपेयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर ऑफ अ मशीनरी। ओके, बताइए कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है? रिजर्व कैपिटल तो सर वो कैपिटल होती है जब एक अनलिमिटेड कंपनी जब अपने शेयर्स को कन्वर्ट करती है लिमिटेड में, तो उसके साथ जो कुछ कैपिटल का पार्ट उसके पास रह जाता है, तो जो कैपिटल इंक्रीज होती है उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल का वो यूज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही करती है, और फर्स्टली तो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए इसका यूज करती है। कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट का, जो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हम एज अ रिजर्व रख लेते हैं कैपिटल और प्रॉफिट, इसको शो करते हैं लाइबिलिटीज में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट जो सर, कैपिटल जो हम कुछ एक्टिविटीज होती हैं जैसे प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट पे जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते ओके, बाय, हैं। और भी है सर, जैसे बस बस, बाय अगर बिजनेस। हम रनिंग बिजनेस को परचेज किया है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ओके जी, ओके। व्हाई बिजनेस इज कंसीडर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस इज मोस्टली रिलेटेड विद द अर्निंग द प्रॉफिट, और जहाँ पे प्रॉफिट की बात आती है वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और बिजनेस है एक ऐसी टर्म है जो एक बिजनेसमैन ताकि सेल एंड परचेज वो करता है सर, कि ओके, अंकिता सेल एंड मुझे परचेज ऑफ बताइए गो व्हाट इज ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इसका फॉर्मूला जरूर बताइएगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उस टाइम जब बाकी सब पार्टनर्स, जब एक न्यू पार्टनर एंटर होता है या फिर कोई पार्टनर नया एंटर होता है, उस टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अपने शेयर का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं उसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो कहते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी गुड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में क्या कुछ आप बताओगे?
यूनिटी ऑफ कमांड तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल ने दिए थे, ये दोनों ही प्रिंसिपल। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि आपको जो कमांड है, एक सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट्स को एक ही सुपरवाइजर से कमांड मिलेगी। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है, उनको हम एक ही प्लान के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फर्दर डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है, लेकिन उनको जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, तो उनको प्रोडक्शन मैनेजर हेल्ड करेगा, तो उनके ऊपर, उन प्लान्स के ऊपर एक हेड उन्होंने बना देते हैं। ओके, साइंस नोट रूल ऑफ थंब क्या है ये? ये बेसिकली गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर, एफडब्ल्यू टेलर ने ये दिया था प्रिंसिपल, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इसमें वो कहते हैं कि जो साइंस के जो स्ट्रिक्ट रूल है, रिजिड, कि हमारी मैनेजमेंट को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो उनको टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वो ला सकता है अपने उनमें, यूजेज में। अच्छा, कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से किसी एक का वोलेशन करता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स जो है, उसमें हम प्रोडक्शन प्लस फंक्शनल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, तो उसमें सबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें फंक्शनल मैनेजर भी उनको रिस्पॉन्ड करता है और प्रोडक्शन मैनेजर भी। आपने सही बताया, लेकिन शायद आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। उस कौन से प्रिंसिपल को? यूनिटी ऑफ कमांड को हाँ सर, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टू द पॉइंट बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, बताइए क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइव एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स जो एक बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ली जाती हैं, कैपिटल इज जो एक ऑनर्स की इक्विटी होती है, और लाइबिलिटीज जो क्रेडिटर्स की इक्विटी होती है। ओके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में बताइए। गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है, जो थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक बिजनेस एंटरप्राइज को, उनको प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, कि वेदर द शेयर होल्डर्स मे कम और वेदर द शेयर होल्डर मे गो, पर कंपनी रिमेन्स लाइफ लॉन्ग, मतलब वो इनडेफिनेट लाइफ तक चलती रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो पब्लिक कंपनी को नहीं मिली हुई? प्राइवेट कंपनीज को फैसिलिटीज में, पहले तो वो मिनिमम 2 मेंबर से स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस, जहां पे पब्लिक कंपनी के लिए हमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम हमें मतलब मिनिमम 2 डायरेक्टर से काम करवा सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी 3 डायरेक्टर्स ओके, होने जरूरी है। पार्टनर बाय एस्टोपल और के ये बारे में बताइए। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल में, और इट आल्सो कॉल्ड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इट मीन्स वो अपने जो एक्सप्रेशन है, जेस्टर्स हैं, या अपने जो जो उनके एक्सप्रेशन के थ्रू वो ऐसे दिखाते हैं कि ही इज द पार्टनर, तो कल को वो जो भी कमिटमेंट है या जो भी लाइबिलिटी अराइज होता है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, एसेट में आएगा लाइबिलिटी में? फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया, वो लाइबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। फर्म ने ओके, जब पार्टनर को लोन दिया है सर, तो वो एसेट साइड आएगा, क्योंकि वो हमारे डेटर बन जाएंगे ना। श्योर हो? यस सर। पहले ठीक बोल रहे थे, अब पार्ट जब फर्म बिजनेस फर्म जब पार्टनर्स को लोन देगी, तो वो एक वो बन जाएंगे ना डेटर सर। ओके ठीक। गैंग प्लैंक का प्रोसीजर बताइए। गैंग प्लैंक जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, स्केलर चेन, उसका एक एक्सेप्शन है, जिसमें स्केलर चेन के अकॉर्डिंग है जो हमारी कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम चलती है, और इन अ हिरार्कियल मैनर में चलती है, कि जो फर्स्टली वो टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडल, फिर उनकी, ऐसा कम्युनिकेशन पाथ चलेगा। लेकिन ड्यू टू सम उनको इमरजेंसी के केस में वो गैंग प्लैंक सेम जो हेड है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, भगवत दयाल शर्मा, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नयाब सिंह सैनी सर, मनोहर लाल खट्टर नहीं है क्या?
नहीं नहीं सर, ओके, कॉमर्स एजुकेशन के बारे में बताना। कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स एजुकेशन रिलेटेड विद द मेनली सर ये रिलेटेड होती है कि ट्रेड के रिलेटेड, और जो स्टूडेंट्स को अबाउट द बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रिपेयर करना, और इसमें उनको ये बताना कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल या लेजर में? जर्नल में, क्योंकि जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर किया जाता है, डे टू डे बेसिस किया जाता है सर, सिस्टमैटिक वे में हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोला जाता है। अच्छा बिजनेस आफ्टर ट्रांजैक्शन दैट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स जो एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द फाइनेंशियल, जो भी जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंस से रिलेटेड है फॉर बिजनेस कंसर्न, और जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर एक बिजनेस कंसर्न की जितने भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में। ओके, कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनीज का, जो उनके हर एक लीगल डॉक्यूमेंट पे कंपनी देती है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लगी हुई है, सिग्नेचर नहीं है किसी की भी, यस सर, तो क्या वो वैलिड होगी या नहीं होगी? उसके साथ साथ टू डायरेक्टर के सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्नेचर नहीं हो तो बताओ क्या होगा ना। अभी आई थिंक सर कि वो वैलिड नहीं माने जाएंगे जब तक दो डायरेक्टर्स के उस पे सिग्नेचर नहीं होते। फर्म का जब डिजोल्यूशन करते हैं तो अकाउंट की सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है? डिसोल्यूशन के टाइम सबसे पहले तो जो क्रेडिटर्स हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, सबसे पहले उनको पहले तो जो एक्सपेंसेस हैं, लीगल जो एक्सपेंसेस है जितने चार्जेस हैं उनको पे किया जाता है, उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं उनके पेमेंट की जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर्स इनकी पेमेंट होती है, आफ्टर दैट जो लेफ्ट ओवर होता है फिर सर इक्विटी उनकी होती है, पार्टनर्स की होती है। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस? रिवैल्यूएशन बनाया जाता है सर एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम, जब एक पार्टनर्स को अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनकी वैल्यू को मार्केट में चेक करना होता है कि वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, रीवैल्यू करनी होती है अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। रियलाइजेशन होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हमने हमारी एसेट से पैसा रिलीज करना होता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। अच्छा जी, एफपीओ क्या होता है? फॉलो पब्लिक ऑफर सर, फॉलो पब्लिक ऑफर। हरियाणा का मतलब स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा कौन है, क्या है मतलब स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, एनिमल बता दो, बर्ड बता दो कुछ भी। ठीक एनिमल तो काला हिरन है सर, और बर्ड जो है वो काला तीतर है। वेरी गुड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाउ द कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर, कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम कैसे करती है? कैश बुक को हम एक जनरलाइज्ड लेजर बोलते हैं सर, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद हमें लेजर बनाने की, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। जब कैश बुक बनाते हैं तो हम उसमें भी कैश बुक बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रियल कंसेप्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जितने भी हमारे रिसिप्ट होते हैं हम डेबिट अच्छा रिकॉर्ड कैश करते को, हैं। मेरे को एक बात बताओ, कैश को तो रियल अकाउंट में लिखते हैं लेकिन बैंक को पर्सनल अकाउंट में, ऐसा क्यों जबकि दोनों एसेट हैं? यस सर, जो कैश है वो तो रिलेटेड विद दी अवर एसेट्स, लेकिन बैंक है वो किसी पर्सन का अकाउंट होता है बैंक में, इसलिए उसको उसमें रिकॉर्ड करते हैं ओके, ई पर्सनल बैंकिंग अकाउंट। क्या होता है? ई बैंकिंग जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं सर विद दी मीडियम ऑफ कोई भी मीडियम जिसके थ्रू हम हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं सर। ओके, नेक्स्ट वन बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, पॉइंट पॉइंट बताना सिर्फ। ठीक है सर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ओके, कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एडवांस मींस जब कुछ शेयर होल्डर्स अपने अमाउंट को जब उनसे कॉल किया जाता है उससे पहले ही वो पे कर देते हैं, वेदर अलॉटमेंट और वेदर कॉल मनी। ओके, इस पे एक बताइए, महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र से पानीपत में क्या हुआ था?
पानीपत में वो लड़ाई हुई थी सर पानीपत की। चलो बताइए, लेसन प्लान के बारे में बताइए। लेसन प्लान बनाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है उससे पहले टीचर अपने लिए प्रिपेयर करता है कि उसको किस टॉपिक को किस। ओके ओके, मुझे बताइए कि लेसन प्लान डेली बेसिस पे बनते हैं या एनुअल बेसिस पे बनते हैं या फिर मंथली बेसिस पे बनते हैं, क्या कुछ होता है? तीनों टाइप से बनाते हैं सर, लेसन प्लान डेली बेसिस पे भी बनते हैं, फिर यूनिट प्लान भी बनते हैं सर, फिर एनुअल प्लान्स भी बनते हैं, ईयरली प्लान्स भी ओके, ट्रेड बनाते हैं। डिस एनुअल को ईयरली बोलते, चलो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या फर्क है? कैश डिस्काउंट को हम हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं हमारे अकाउंट्स में। ट्रेड डिस्काउंट ऑन द बल्क क्वांटिटी परचेज पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दिया जाता है सर। बिल्कुल। क्रेडिट नोट कौन लिखता है, बायर या सेलर? क्रेडिट नोट सेलर सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए, कहाँ लिखे जाएंगे बैलेंस शीट में? ये सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं एसेट साइड। ओके, और रिडम्पशन ऑन द डिवेंचर ये कहाँ पर आएगा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, जो भी प्रीमियम हमें रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो हम कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट मानते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं। मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी सर, ये कहना चाहते हो आप, है ना? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। यस सर। ओके ओके, चलो जी एक बार आज का इंटरव्यू यहीं तक है। जो एक जी क्वेश्चन आपने, मैंने पूछा नेचर ऑफ कॉमर्स, उसमें आप वहां पर चले गए बिजनेस के बारे में, ट्रेड या उद्योग टू ट्रेड। नेचर ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है सर कॉमर्स आर्ट भी और साइंस भी है, ये वाला टॉपिक वहां पर आपको बोलना था, ठीक है? ठीक एक इसको ध्यान है रखना है। एक आपने बताया सर कि अकाउंटिंग का रोल पहले बिजनेस सिर्फ रिकॉर्ड करना था, और लास्ट में आपने जी। यूजर का नाम नहीं बोला, बाकी सही चले गए आप कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन जनरली सब बोल दिया, लेकिन लास्ट में बोला कि कम्युनिकेट करना एंड यूजर तक, तो रिकॉर्डिंग टू बिजनेस यूजर तक है, ठीक है ना? अब बिजनेस यूजर आ गया। ठीक ईआरपी के आप फुल है फॉर्म नहीं बता पाए, इंटरप्राइज रिसोर्स यस प्लानिंग। अब सुनो, मैंने एक एक चीज जो मैंने नोटिस किया आप वाले में से, खासकर वो जी वर्डिंग यूज ना करो जो एक जो इंटरव्यूअर आपके, जैसे कि आपने ईआरपी बोला, यस सर ठीक है, चाहे अब इंटरव्यू लेने वाले को ना भी पता हो, लेकिन वो ऐसे वर्ड वो जानना चाहता है, कहने का मतलब वो खुद जानना चाहता है कि आप क्या क्या है ये ईआरपी। तो जब तक यस आप कोई चीज कंफर्म ना होता, ऐसे वर्ड का यूज ही मत करो, यस सर ठीक है? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। यस एक यूनिटी ऑफ कमांड में अपना सही बताया, लेकिन एक चीज कहना भूल गई सर कि एक ही टाइम पर, ये टाइमिंग वर्ड यूज नहीं किया आपने, आपने ये तो बोल दिया, ठीक है? एक टाइम याद रखना, ये था। और नेक्स्ट वन, एक हाँ टाइम, टाइम सेम, एक ही टाइम में ना, अलग अलग टाइम में तो कितने दिनों से ये करना है। इसके अलावा बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ध्यान रखना है, ठीक? कॉमर्स एजुकेशन आपने ठीक बताया है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, ये थोड़ा आप लिक्विडेशन पे चले गए, यस जबकि मैंने बकायदा बोला है कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका जो आंसर आएगा सर राइट आंसर, वो सबसे पहले एक्सटर्नल पार्टी को पे करते हैं, फिर पार्टनर के लोन को पे करते हैं, फिर पार्टनर की कैपिटल को पे करते हैं, कुछ बच जाएगा तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो सर मुझे भी बाद में रियलाइज हो गया था कि मैंने लिक्विडेशन का थोड़ा सा पार्ट बोल दिया उसने। जी ठीक है, और मोस्टली ठीक था आपका, ऐसा कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? इसके रिगार्डिंग ये कोई मेरे से कॉमर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर मैडम पूछेगी कुछ क्वेश्चन आपसे। कॉमर्स से एक तो यही जो आपने पूछा था सर कि अगर हम पार्टनर्स को लोन देती है फॉर्म तो वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था आपने, डेटर बन जाएंगे, ऐसे कर ऐसे देंगे। हाँ, डेटर ये सही। तो मैं ठीक चेक है कर रहा था कि सर आप अपना जो आंसर है वो चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक ठीक है सर है? बस एक। हाँ और दूसरा स्कोप ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स एजुकेशन ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं सर इनमें मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या बोले हैं जिससे लगे कि भाई जैसे अच्छा सा अगर है पूरा। नेचर कहीं भी पूछे जाए ना, तो ये आर्ट और कॉमर्स के लिए, मतलब आपको साइंस और आर्ट के बारे में पता हो वहां पर पूछ रहा है। स्कोप ऑफ कॉमर्स में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां पर आपका सारा चलेगा, ट्रेड और डिजिटल ट्रेड वो सब कुछ आ जाएगा। स्कोप अलग है, नेचर अलग है, ठीक यस है? सर ठीक हाँ, है बस एक सर चीज थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है कि जो भी, अगर खासकर कोई टॉपिक आपको आता है तो उसको एलोबरेट कर दो, जो नहीं आता बस उसको टू द पॉइंट ही बोलो उसको, मतलब बिना बात के आगे मत बढ़ाओ, सीधी बात यही है, ठीक है सर ठीक है?
और जो आप वर्डिंग यूज करो, कोशिश करो कि ऐसे वर्ड यूज ना करो जो आप ज्यादा डिटेल में ना बता पाओ। मैंने पहले सोचा सर कि ना ना बोलूं कि मेरे को उसका है डिप्लोमा, बट फिर मुझे हाँ, ये बोल देना कि आपको पता है सर्टिफिकेट थोड़ी चेक करेंगे यार, उसके बेस पे नौकरी थोड़ी देंगे आपको। ये सिंपल सी बात है, ये कहते सर हाँ बेसिक नॉलेज है बस, सर थोड़ा चलाते हो सर, थोड़ा वो तो लाइक गूगल सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट वगैरह चला लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से व्हाट्सअप चला लेते हैं सर लैपटॉप पे, ऐसा नहीं। वहां पर कंप्यूटर की साइड में क्यों जा रहे हो, क्यों एक अपना एक वीक पॉइंट दे रहे हैं उसको, ठीक है। कोशिश करो उसको कॉमर्स तक ही रखो, और ऐसे टॉपिक पे रखो, एग्जाम्पल भी दो तो ऐसे दो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है। लाइक अगर मान लिया मैंने पूछ लिया, सपोज करो मैंने पूछा स्केलर चैन, अब स्केलर चैन आप बता रहे हो और साथ के साथ आपको अगर गैंग प्लैंक के बारे में पता है ना, तो वो वर्ड वहां पर डाल दो सर कि एक एक्सेप्शनल होता है गैंग प्लैंक, तो फिर इंटरव्यूअर उसके ऊपर पूछेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर मत बोलो, आप समझ रहे हो ना बात, यानी कि ठीक है इंटरव्यूअर सर, को आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो, यस सर, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करिए, प्रैक्टिस से ही होगा, जैसे जैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वेट ए मिनट, अभी मैडम आपको करवाएगी। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। सो अभी हम कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। सो अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट बताइए। मैनेजमेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, अभी बेसिक सा टॉपिक मैम, है। यस मैम, अभी मैम अभी माइंड में नहीं है मेरे, वो थोड़ा ओके, सा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच एंड यस मैम, ओके। ए स्प्रिट ऑफ कॉपरेशन के बारे में बताइए। स्प्रिट डी कॉप्स में जब एंटरप्राइज में ये फॉलो किया जाता है कि वी यूज वी वर्ड इंस्टेड ऑफ आई, कि वो अब जितने भी काम है वो ऐसे करेंगे ताकि वो एक उनमें फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन रहे आपस में, और ओके, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल में कन्फ्लिक्ट्स ना हो। स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल अंडर मतलब एक सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट हैं, कॉल्ड स्पेन ऑफ कंट्रोल। ओके ओके। कितने सबॉर्डिनेट हो सकते हैं एक सुपीरियर के अंडर? इट डिपेंड्स मैम कि 5 to 6। ओके। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये मैम अभी माइंड में नहीं है मैम मेरे, सॉरी। ओके, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, नीड मैस्लो, नीड हायरार्की, मैस्लो गिवन बाय मैस्लो, इब्राहिम ओके ओके मैस्लो, ओके। कंप्लीट नेम क्या है मास्लो का? इब्राहिम मैस्लो। ओके, नीड कितने टाइप की नीड दी गई है नीड फाइव हायरार्की नीड्स, थ्योरी में, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, उसके बाद सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके ओके गुड। हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताइए। हर्ज़बर्ग फैक्टर, टू फैक्टर्स थ्योरी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन टू पार्ट्स, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में मेनली कंसिडर विद वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड मोटिवेशनल फैक्टर कंसिडर विद फाइनेंशियल इंसेंटिव, बोनस एक्सेट्रा में। ओके, नीड हायरार्की थ्योरी की एक्सटेंशन थ्योरी कौन सी है, जो एक्सटेंशन वर्जन हम बोलेंगे जिसको? अचीवमेंट नीड थ्योरी, ओके, एक्सप्लेन द एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर इन 1954। उनके अकॉर्डिंग कि मैनेजमेंट के ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए जो अचीवेबल हो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, और मैनेजमेंट जो इतना भी अपना प्रोसेस है वो इस अकॉर्डिंग सेट करे ताकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि मैम जो ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज हैं और उनका जो
जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको इस अकॉर्डिंग वो डिवाइड करेंगे ताकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फुलफिल. ओके, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एक्सप्लेन कीजिए. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल, अभी आई डोंट थिंक, मतलब अभी मेरे माइंड में नहीं है मैम वो, बट आई नो कि ट्रांजेक्शनल इज गिवन बाय फादर एडम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर मैम, फ्रेडरिक फुल फॉर्म ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर. विंस्लो टेलर. ओके, जो एफ डब्ल्यू टेलर है उन्होंने कहाँ से काम करना स्टार्ट किया था? उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट से काम किया था मैम, कि उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स लिए हैं. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीनिंग. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में हम उनको, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको ये एश्योरेंस देंगे कि उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको एक टेन्योर के लिए स्टेबल किया जाएगा, कि उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ वो आए, कि फीलिंग ऑफ कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और हमें रिट्रेंच नहीं किया जाएगा. ओके, एक कंसेप्ट आता पोचिंग. कोचिंग, यस मैम. हाँ जी, क्या मीनिंग होगा पोचिंग का? कोचिंग में होता है कि मैम कॉम्पिटिटर्स के जो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को एज इट इज यूज करना, कंफर्म या हो? कॉम्पिट मिक्सअप कर रहे हो दो कंसेप्ट. कॉम्पिटिटर्स का मतलब मैम सेटबैक अपने वो उसमें एंटरप्राइज में उसके अकॉर्डिंग अपना वो बनाना, या जो कॉम्पिटिटर्स के जो राइवलरीज होते हैं. आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. आई थिंक कि पोचिंग कर लेते हैं हम, जो कॉम्पिटिटर्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपनी कंपनी में हायर कर लेना. हाँ जी, अब सही बोले हो, बट इतने मौका बिल्कुल नहीं देंगे आपको. ठीक है, सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा जहां पर आपको एक्सप्लेन करना है, तो प्रॉपर तरीके से पहले थोड़ा सा सोचो, उसके बाद ही बोलो. ठीक है, अभी से ही अपोचिंग का आपका, आपने पोचिंग का रहेगा कि जो कंपिटिटर, जो फर्म हो के जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको अट्रैक्ट करना सैलरी से या फिर अदर कोई बेनिफिट्स दे के उनको अट्रैक्ट यस करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ओके, एंड मैम. फर्स्टली हमने बात की थी अप्रोचेस के बारे में. हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. ये मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, और नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर जो मैनेजमेंट के जो ये कंसेप्ट है ये आपसे पूछे जाते हैं, नॉर्मली पता होने चाहिए आपको. सो अप्रोचेस की बात करेंगे, अप्रोचेस तो कोर कंसेप्ट रहेगा आपका मैनेजमेंट का. ओके, सो अप्रोचेस की बात करते हैं, तो अप्रोचेस को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और आपका मॉडर्न अप्रोच. क्लासिकल के अंदर आपके आएंगे साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक, नियो क्लासिक में ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर, और मॉडर्न के अंदर आएगा आपका सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एंड आपका कंटीजेंसी. ओके, या फिर आप सिस्टम अप्रोच भी बोल सकते हो. उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सही था. एंड नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो आपकी दी गई इवोन पावलो के द्वारा दी गई है. नेक्स्ट, फिर आपकी नीड जो हायरार्की बताया था आपने वो भी आपका सही था, और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नीड हायरार्की का क्वेश्चन. उसके बाद अब्राहम अब एच मास्लो है, ये आपकी एच आएगा यहाँ पे. ठीक है, आपने गलत बोला था आई थिंक. एंड नेक्स्ट, आपने बताया था कि हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, एक होता है यहाँ पे मोटिवेटर फैक्टर, एक होएगा यहाँ पे हाइजीन फैक्टर. जो मोटिवेटर फैक्टर होते हैं वो फैक्टर्स आएंगे जिनकी प्रेजेंस अफेक्ट करती है. आपको ये बोला, आपने सीधा मेरे को एग्जाम्पल बताया, जबकि डायरेक्ट एग्जाम्पल मत बोलिए, पहले उसको एक्सप्लेन कीजिए कि जो प्रेजेंस जिसकी अफेक्ट करती है, और हाइजीन के अंदर वो फैक्टर आएंगे जिनकी अब्सेंस आपको अफेक्ट करेगी. ओके, नेक्स्ट, फिर अगर एक्सटेंशन की बात करते हैं हम, नीड हायरार्की थ्योरी का एक्सटेंशन आपका ईआरजी थ्योरी. ईआरजी में के अंदर आएगा, ईआरजी की फुल फॉर्म रहेगी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड यस ग्रोथ. ओके, अभी याद आ गया. मैम. नेक्स्ट, आपने एमबीओ का बताया था, जो एमबीओ का जो आपने बताया, तो एमबीओ के अंदर ये आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लॉयज का गोल इस तरीके से सेट करती है कि उनका पर्सनल गोल भी अचीव हो जाता है और साथ के साथ उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाते हैं, यानी कि दोनों गोल अचीव हो जाए इस तरीके से गोल को सेट करती है. उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड
फिर आपसे क्वेश्चन किया गया था, FW जो टेलर है उन्होंने कहाँ से वर्क करना स्टार्ट किया था? वो आपके फ्लोर लेवल वर्कर्स थे, टॉप लेवल नहीं थे, टॉप लेवल हेनरी फ्योल थे, इन्होंने स्टार्ट किया था काम फ्लोर लेवल से एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके हाँ जी, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। एंड अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वहां पर आपका वो मानसिकता चेंज यानी कि चेक कर रहा है आपकी, यानी कि आप सोच क्या रहे हो, क्या आप बोल रहे हो। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, पोचिंग का आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, आपने एक बार बोला, गलत बोला, दोबारा से बोला, फिर आपने दो कंसेप्ट को मिक्सअप कर दिया, फिर थर्ड टाइम आपने आंसर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर नहीं करने, आपको वन लाइनर के अंदर आपको आंसर करने है, टू द पॉइंट आपको आंसर करने है, जो भी आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो बोल दीजिए सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है या फिर रिकॉल नहीं हो रहा। ओके एंड नेक्स्ट इज यस लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है कि आप पहले सुनिए कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। ओके पहले मैम, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, देन आप थोड़ा सा आप रुकिए, उसके बाद ही आप आंसर कीजिए, क्योंकि क्या पता आप क्वेश्चन के आगे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है ना, यस मैम, क्योंकि वो तो आपको यस चेक कर मैम, रहा है, आपकी साइकोलॉजी को चेक कर रहा है, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलोगे, कहीं आप एकदम से बीच में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, तो वहां पर आप थोड़ा सा रुकिए, रुकने के बाद आप अपना आंसर स्टार्ट कीजिए, जो भी आपसे पूछा गया वो टू द पॉइंट बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अगर बारे में बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया उतना बताइए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा टाइम का भी आप ध्यान में रखिए, ये नहीं है कि सिर्फ आप ही का इंटरव्यू होगा, या आप अगर ज्यादा उनको बताओगे या फिर एक्सप्लेन करोगे लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो वो ज्यादा इंप्रेस हो गए, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट बोलोगे, पोलाइट बोलोगे, तो आपका बहुत अच्छा ओके इंटरव्यू जाएगा। ओके हाँ जी, आपकी मैम, तरफ से कोई क्वेरी हो? नहीं बस यही है, नहीं हम अभी तो कुछ नहीं, ओके ओके, वाइंडिंग अप ठीक है करते मैम, हैं। ओके थैंक यू। ठीक है।